एक और बात मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, जब तक हमारे देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, क्या हमारा देश विश्वगुरु बन सकता है? नहीं बन सकता। आप कोई अमीर देश उठा के देख लो, जापान, फ्रांस, टोक्यो, अमेरिका, कनाडा, इटली, कोई यूरोपियन कंट्री उठा के देख लो, डेनमार्क, स्वीडन, कोई अमीर देश उठा के देख लो, वहां हर बच्चे को, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलती है। सरकारें शिक्षा देती हैं गरीबों को, सरकारें अच्छी से अच्छी शिक्षा देती हैं सरकारी स्कूलों में। हमारे देश में 25 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं। कितने? 25 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं, इनमें 17 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। अगर दिल्ली की बात छोड़ दे, अधिकतर सरकारी स्कूल कबाड़ खाने बने हुए हैं देश के अंदर, अधिकतर सरकारी स्कूल खटारा बने हुए हैं, टॉयलेट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिल्डिंग टूटी पड़ी है, छत चू रही है, पंखे टूटे पड़े हैं, बैठने को डेस्क नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का देश भर के अंदर। अगर 17 करोड़ मेरे देश के बच्चे ऐसे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, शिक्षा के नाम पे उनको जीरो, क्या मेरा देश विश्वगुरु बन सकता है? नहीं बन सकता। जब तक एक एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक हमारा देश विश्वगुरु नहीं बन सकता। केंद्र सरकार ने अभी एक कार्यक्रम शुरू किया है, पूरे देश में 14,500 सरकारी स्कूलों को ठीक करने का, 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके 14,500 सरकारी स्कूल केंद्र सरकार ठीक करेगी। पर पूरे देश में तो 10,00,000 सरकारी स्कूल हैं, 10,00,000 सरकारी स्कूल। 5 साल में अगर हम 14,500 स्कूल ठीक करेंगे तो 10,00,000 सरकारी स्कूल ठीक करने में तो 150-200 साल लग जाएंगे। आज मैं आपके सामने एक प्लान रख रहा हूं, 5 साल के अंदर देश के 10,50,000 सरकारी स्कूल शानदार बनाए जा सकते हैं, फर्स्ट क्लास बनाए जा सकते हैं, वर्ल्ड क्लास बनाए जा सकते हैं। देश के 10,50,000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छा बना देंगे, वर्ल्ड क्लास बना देंगे। जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल चमका दिए, आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। हमें करना आता है, पहले दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक किए, अब पंजाब के सरकारी स्कूल शानदार बनाए जा रहे हैं। जो खर्च हम लोगों ने दिल्ली में किया सरकारी स्कूलों को ठीक करने का, मैंने सारा हिसाब किताब करा, जमा जोड़ किया, अपने देश के 10,50,000 सरकारी स्कूलों को ठीक करने के लिए 6,00,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और अगर 5 साल में ठीक करेंगे तो 6,00,000 को 5 से भाग करके देख लो, 1,25,00,000 रुपए हर साल खर्च करने पड़ेंगे। 1,25,00,000 रुपए भारत जैसे देश के लिए अपने लिए कोई ज्यादा नहीं है। अगर मेरे देश के 17 करोड़ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती हो, अगर मेरे देश के 17 करोड़ बच्चों को शानदार शिक्षा मिलती हो, प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी शिक्षा मिलती हो, तो हर साल 1,25,00,000 रुपए तो कुछ भी नहीं है। भारत जैसे लोग देश के लिए तो चिल्लर है 1,25,00,000 रुपए। क्या हमें अपने देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हर साल 1,25,00,000 रुपए खर्च करने चाहिए? आप लोग मेरे से पूछोगे, अरविंद जी स्कूल तो अच्छे हो जाएंगे,
शानदार हो जाएंगे। स्कूल चलाने का खर्चा कहां से आएगा, उसका भी मैं आज हिसाब किताब लेके आया हूं। देश के 17 करोड़ बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छे अच्छे टीचर देने के लिए, शानदार यूनिफॉर्म देने के लिए, अच्छी पढ़ाई कराने के लिए, टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए एक साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। और अभी पूरे देश में केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिला के शिक्षा के ऊपर 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती हैं। इसका मतलब कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए, जो खर्चा होता है उसमें भ्रष्टाचार खत्म कर दो, सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। 2 मेरा सपना गरीबी, गरीब की गरीबी दूर करना नहीं है। ये वाले स्लोगन तो हम पता नहीं कब से दूर सुनते आ रहे हैं, गरीबी दूर करो, गरीबी दूर करो। मेरा सपना गरीब की गरीबी दूर करना नहीं है, मेरा सपना हर गरीब को अमीर बनाना है। मैं हर गरीब को अमीर बनाना चाहता हूं, और हर गरीब तब अमीर बनेगा जब उसका बेटा इंजीनियर बनेगा, जब उसका बेटा डॉक्टर बनेगा, जब उसके बेटे को शानदार शिक्षा मिलेगी। एक मजदूर के बेटे को जानता हूं, उसके पिताजी दिहाड़ी करते हैं, मुश्किल से 4-5 हजार रुपए महीना कमाते हैं दिल्ली के अंदर। 4-5 हजार रुपए महीने में कुछ नहीं होता। उसके बेटे ने सरकारी स्कूल में पढ़ते पढ़ते इस बार वो इसका एडमिशन इंजीनियरिंग में हो गया। अब जब वो बच्चा पास करके निकलेगा, 2-3 लाख रुपए महीना तनख्वाह, उसकी शुरुआत की तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना होगी। अमीर हुआ कि नहीं हुआ उसका परिवार? उसके परिवार की गरीबी दूर नहीं हुई, उसका परिवार अमीर हो गया। जब हमारे देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलने लगेगी, तब मेरा देश विश्वगुरु बनेगा। विश्वगुरु केवल भाषण देने से नहीं बनेगा।